मेरा नाम है सुरेंद्र। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। कूड़ा कबाड़े काम करता हूँ। कूड़ा बीन के लाता हूँ, उसे बेचता हूँ, से गुजारा चलाता हूँ। पेट में दाना होगा जब तो भागेगा इंसान। जब पेट में दाना नहीं होगा तो कहाँ से भागेगा? वो तो घर पे ही पड़ा रहेगा। वो तो माँ बाप का जो बचा होगा वो तोड़ता रहेगा। नहीं तो अपना मेहनत नहीं करेंगे तो माँ बाप तो देगा नहीं। माँ बाप कब तक खिलाएगा? जब हम बड़े हो गए तो माँ बाप को फर्ज के हमें खिलाना। तो यही इंजॉय से मैं सीधे इधर दिल्ली आ गया था। कुछ साल रिक्शा चलाया, स्कूल में नौकरी करा, फिर थोड़ा तबियत डाउन सा हो गया, हमने रिक्शा छोड़ दिए। फिर कबारे काम करने लग गए। खाने खाने का तो हर चीज़ का दिक्कत होता है। हम तो किराएदार है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ तो कभी वहाँ। कोई किराएदार का वो तो रैन बसेरा ही है, एक रैन बसेरा है, जहाँ मर्जी चले जाए। नहीं, घर तो है, घर है गांव में, बिहार में, यहाँ थोड़ी ना, यहाँ यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ कमाना और खाना, और कोई नहीं, कुछ नहीं। कमा रहा है, खा रहा है, दाल रोटी तो मिलनी मिलनी है किसी तरह से। पेट तो किसी तरह से भरना ही है हमें। तकलीफ ये होता है कि हम दारू पीते थे, दारू पीते पीते कुछ खाया नहीं जाता था। बिना पानी का दारू पी लेते ना, कुछ जम होता था ना, कमजोरी सी आ गई ना, काम करने का दिल, खांसी बहुत होता था, हद से ज़्यादा खांसी, रात दिन खांसता खांसता बहुत बुरा हाल था। अभी भी खांसी, अभी भी रात को या सुबह उठता हूँ तो खांसी खांसता रहता हूँ। हाँ जी, अभी भी खांसता रहता हूँ। सुबह उठता हूँ सो के तो कम से कम 10-5 मिनट तक तो खांसता ही रहता हूँ। एक तो बीड़ी का आदत मेरा लगा हुआ है। हाँ जी, बीड़ी से भी खांसी होती है, हर चीज़ से खांसी होता है। लीवर में थोड़ा वो कमी आई थी, फिर मैडम ने अपना दवाई ववाई करवाई, मैडम देखी, सबसे ज़्यादा खांसी थी। और ऐसा था कि बुखार भी आता था, तो बुखार ऐसा महसूस नहीं होता था कि बुखार है, लेकिन पूरा बदन टूट जाता था। लोगों मैं एक कप नहीं उठा सकता, एक गिलास नहीं उठा सकता था, ये हाल था मेरा। एक गिलास जैसे पानी पीने से इंसान उठाता तो वो भी उठा पाता था, इतना बुरा हाल हो गया। जैसे कि जब बीमार पड़े तो कोई चीज़ खाने को दिल ही नहीं करता था, कुछ भी, कितनों से कितना अच्छा बना कर दे दो, कितनों से चाहे होटल से मंगा दो या घर में बने वाले कहीं से भी कुछ भी ला कर दो, कोई खाने को दिल नहीं करता। और मैं ऐसे जब खाते खाएंगे नहीं तो शरीर में लगेगा नहीं, जब खाएंगे तो शरीर में लगेगा। कुछ भी नहीं खाते थे और सूखते 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 एकदम हड्डी पूरा एकदम हो गया था। मैं पूरा हड्डी जैसे कि यहाँ से वहाँ तक मैं चल नहीं पाता था। सब ही कहता था कि टीबी हो गया, इसको ये है, इसको बाहर निकाल दो, इसको हटा दो, यहाँ से जगह खाली करवा दो, इनके साथ बैठो मत, उठो मत। कहने वाले कहते थे जाके जीरो पूछते चले जाओ, इलाज करवाओ, लेकिन हमारा कोई सहयोग देने वाला था नहीं। ये तो ऐसे भी अपंग है, ये यहाँ से यहाँ चलेगी उसके बाद बैठ जाएगी, यहाँ से वहाँ चलेगी उसके बाद बैठ जाएगी, तो हम किसके भरोसे जाते हैं? हमें खुद ने हिम्मत नहीं हो रहा है चलने का, तो हम किसके साथ? माना कि ये इधर से वापस आ रही थी, इस साइड में जा रही थी, तो मैं बैठा हुआ था झुग्गी में, ऐसे करके मैं बैठा हुआ था। वो तो पहले बह गया। तो इन्होंने कहा क्या हो गया? मेरा तबीयत खराब है। तो इन्होंने कहा कि चलो मैं अस्पताल दिखाता हूँ, जीरो पुस्ता आ जाना, ठीक है। फिर इन्होंने कहा चलो मैं इलाज करवा दूंगा। मैं फिर इनके पीछे पीछे मैं भागता रहा। मैं फिर मेरे आगे आगे मैं इनके पीछे पीछे, चलो भाई कभी एक्सरा करवाए, कभी बलगम करवाए, कभी खून टेस्ट करवाए, कभी कुछ करवाए, कभी कुछ करवाए। इन्होंने बेचारी ने बहुत भागी मेरे साथ साथ, बहुत भागी, बहुत साथ दिया हमारे। ऐसी बात नहीं कि कमाने वाला है नहीं, दवाई के लाइन पे खड़ा होता था, दवाई के लाइन पे खड़ा होना मुश्किल होता। फिर इन्होंने ला कर देते थे, हाँ इन्होंने दवाई लेकर ला कर फिर देते थे, फिर स्कूटर बैठा के फिर अपने आप जाती थी, मैं अभी नहीं डरा जाता, ये बात। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत हारा नहीं, हिम्मत फिर भी जुटा के
हॉस्पिटल भी गया, हॉस्पिटल से आया भी, दवाई भी लिया, सब लिया, दवाई खाने उने के बाद भी अपना चलता ही रहा। जब जो ऐसा करवाया ये करवाया कि हमने टीवी है, मैंने टीवी क्या होता है, मैं सोचा कि चलो कोई ना कोई सहारा दे रहा है, एक बार उनसे उनके साथ जाके देख लूँ ये कैसे करवाती है, किस हाल से करवाती है। उन्होंने कहा था कि भर्ती करवा दूँ, मैंने कहा नहीं भर्ती भी हमें नहीं, जब तक शरीर में जान है थोड़ी बहुत चल रहा हूँ फिर रहा हूँ, अभी लेटने वाला तो हूँ नहीं, लेट जाऊँगा जी भर्ती हो जाऊँगा जी सर। उस चक्कर में भर्ती हुआ नहीं, फिर दवाई उन्होंने दिलवाया, दवाई वगैरह खा के मैं ये सोचा था कि मैं पहले तो ये सोचा मैं कि दवाई खाऊं ना खाऊं। फिर मैं एक दिन ऐसा हुआ, मैडम ने दवाई तो दिला दी मेरे को यहाँ तक पहुँचा दी, और इंसान को एक आएगा तो छूट नहीं सकता ये दारू, एक छूट नहीं सकता। तो मैं सोचा कि एक क्वार्टर लगा लूँ, फिर मेरा क्या दूसरे कुत्ते भैया मैं सोचा कि क्वार्टर लगा लेता। फिर पता नहीं जेब में से पैसे निकाल के हाथ में रखा, और पता नहीं ठेके पे पहुँचते ही पता नहीं क्या मेरे को दिल में आया, फिर मैं वापस आ गया, यानी क्वार्टर मैंने लिया ही नहीं। लेके आके एक गिलास आके झुग्गी पे आके बैठ के पानी पी कर फिर मैंने ले लिया। जब से मैं दारू ये छूटा सुखा ही चला गया। फिर उन्होंने दवाई वाई चालू करवा दिया, फिर दवाई इतना असर, जैसे कि आज खाते थे तो कल तक उसका असर रहता है, इतना हैवी ये साथ तीन तीन गोली दो दिन तक उसका असर रहता था, दवा का असर तीन गोली एक साथ तीन गोली रोज सुबह सुबह नाश्ता वास्ता करके तीन गोली खाओ बस, उसके बाद कुछ भी नहीं। कभी ऐसा लगता था खाने के पहले लेते थे या खाली पेट लेते? जैसे चाय हुए बिस्कुट बिस्कुट खा लिया उसके बाद खा लेते, खाते ही ऐसा लगता था कि जैसे हमने पता नहीं कितने दारू पी रखे, इतना चक्कर सा आता था, कभी इधर झुक जाऊँ कभी इधर झुक जाऊँ तो कभी ऐसे हो जाऊँ, इतना बुरा हाल हो गया। फिर दूसरी दवाई पलट के दिया था डॉक्टरों ने, जब उससे कुछ असर हो गया, दूसरी दवाई से असर हो गया, जब थोड़ा सा मैं चलने फिरने लगा इधर उधर भागने उड़ने लगा, नहीं तो बहुत बुरा हाल था, उठना मेरे को बहुत मुश्किल हो गया, कुछ भी नहीं कर पाते थे ना, कुछ खाने को दिल करता था, कोई भी सामान अगर ला कर दे, जैसे ये बना दे चाहे कोई और वाले दे लगे भैया ये खा लो ये सबसे अच्छा खाना, वो इजाजा एक नहीं वाला खाते थे, मेरे बस का हमारे बस का है ही सबसे अच्छी उठा बैठी सबसे बात, हाँ ऐसे ये नहीं कि तू परे को हो या, वो खुद बुलाते हैं अरे भैया बैठ जाए यहाँ पर, जब हमारा कुछ है ही नहीं हमें कैकल प्रॉब्लम में, हाँ जी अब तो मैं बिल्कुल सही हूँ। अरे मेरा नाती था, इतना उन्होंने देखा भी है नाती था, वही बेचारा लेके जाता था लेके आता था, फिर मैं धीरे धीरे करके मैंने अपना थोड़ा बहुत वजन उठाने लग गया, यानी आहिस्ता आहिस्ता ये नहीं कि एक बार झटका मार लिया तो करने, झटका मारने से तो पूरा हिल ही जाऊँगा, फिर तो मैं वहीं लेट जाऊँगा एक ही बार में, तो धीरे धीरे मैंने कोशिश करा मैंने उठाने का, तब तक 10-12 किलो तो वजन उठा के चल लेता हूँ आ जाता हूँ। जब वो झुग्गी में थे हम, मैडम ने दवाई हुई दिलाई, मैडम भाग दौड़ करी, मैं तो मैडम को मालूम है कि ये मैं तो बिल्कुल खड़ा नहीं होता था अस्पतालों में, एक सेकंड के लिए कोई बोलता था कि लाइन में लग जा तो लाइन में भी डॉक्टर के पास जाता था, डॉक्टर को भी बिल्कुल बैठ जाओ तुम, तो मैं बैठे बैठे सारा, फिर दवाई उन्होंने दिला के मैडम ने सारा इंतजाम उन्होंने करा, अपने आप दवाई लाना अपने आप वो करना भाग दौड़, मैं कहीं गया नहीं, इन्होंने जो भी करा हमारे लिए सही करा, जहाँ से इन्होंने करवाया पहले तक सरा हुआ हमारा, उसके बाद बलगम जांच हुआ, दो तीन बार तो बलगम जांच करवाया मैंने,
तो बलगम में तो कुछ निकला नहीं, कुछ नहीं। तीनों बार बलगम दिखाया, तीनों बार कुछ नहीं निकला उसमें। टीवी का कोई रिपोर्ट उसमें असर नहीं हुआ। हल्का था, उतना नहीं था, हल्का था, चालू हुआ था। फिर जब इन्होंने दवाई दिलाया कि दवाई खाते रहो, ड्रिंक मत करना, इन्होंने कहा कि ड्रिंक मत करना, दवाई खाते रहो, तुम बहुत अच्छे हो जाओगे, 6 महीने के अंदर तुम अच्छे हो जाओगे। मेरा नाम प्रियंका है और मैं फील्ड ऑफिसर हूँ लीड से। मेरा पेशेंट है ये सुरेंदर, कि मैं मैपिंग के टाइम का था और मुझे मिला ये। बेचारे की कंडीशन इतनी ख़राब थी कि बुखार में, खांसी में, उसके इतना उठा नहीं जा रहा था इसको, और मुझे इसको मिली और उसको मैंने बताया टीबी के बारे में। इन्हें मैंने इससे लक्षण पूछे इससे कि क्या तुम्हें है ये, तो उन्होंने बताया कि मुझे खांसी भी है, बुखार भी है, वजन भी कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है बिल्कुल भी। तो मैंने समझ गई इसको टीबी के लक्षण हो सकते हैं ये। फिर मैंने इसको कंटेनर दिया और इसको कहा कि मैं कल आती हूँ, तुम्हें हॉस्पिटल में दिखाती हूँ। फिर मैं इसको ले कर गई, एक्सरे कराया, डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे पास लेके आओ। फिर एक्सरे कराया, बलगम जांच कराई, तो उसमें ये पॉजिटिव पाए गए। तो इनको पल्मरी की जो है टीबी थी, फैलने वाली टीबी थी। तो फिर इनका मैंने एचआईवी की जांच कराई इनका, फिर स्पुटम करा था वो मुकल, उसमें तो नेगेटिव थे ये, लेकिन एक्सरे में बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इन्होंने शायद सैंपल सही नहीं दिया होगा, इसी वजह से शायद नहीं आया होगा। लेकिन डॉक्टर ने देखते ही कहा था कि इनको टीबी है और तुरंत के तुरंत जाके, अभी स्पुटम जांच कराने के भी टाइम लगेगा आपको, तो आप पहले इसकी दवाइयाँ चालू कराओ। तो मैं इनको लेके गई, लाइन में लगी। उस टाइम मेरा नया नया था हॉस्पिटल में, मैं तो लाइन में लग के इनको लेके गई और डॉक्टर को दिखा के दवाइयाँ चालू कराई। फिर इनको घर लेके छोड़ा इनको मैंने रिक्शे से। फिर इनको दवाइयाँ बताई कैसे खानी है इनको, इनको 3 गोली बंधी हुई थी, 3 गोली मैंने कहा था डेली खानी है आपको, अगर दवाई खानी है टीबी की तो आपको नशा छोड़ना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि नशा मेरे से छूटेगा नहीं। तो मैंने कहा अगर नशा नहीं छोड़ोगे तो फिर आप बचना मुश्किल है, दवाई भी असर नहीं करेगी आपको। इन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ मैं, तो बेचारे ने कोशिश भी करी, इन्होंने दवाइयाँ चलाई, नशा छोड़ा। और इनकी वाइफ हैं, उनको भी मैंने टेस्ट कराया, वो भी ठीक है, हाँ वो नेगेटिव है। ये कोई 15-1 महीना के लगभग हो गया। मैडम ने कहा कि ये सारा हो गया, बलगम जांच हो गई, ये सब चीज़ हो गया, अब दवाई चालू हो जाएगा, दवाई खाते रहो, आराम होता रहेगा। अगर आराम नहीं हुआ तो फिर साल भर कोई दिक्कत पड़ जाएगी फिर ये। तो मैं ड्रिंक करना छोड़ दिया मैंने, हाँ तब जाकर ये कुछ असर होने लगा। लेकिन अभी भी चक्कर सा, जैसे घूमता हूँ रहता हूँ ना, तो अभी भी चक्कर सा आता है अभी भी। ज़्यादा दूर जैसे कि यहाँ से जंगल में चले गए, उधर चले गए, उधर चले गए, तो चक्कर सा आने लग जाते हैं। कोई सामान ज़्यादा उठाता हूँ तो थोड़ा बहुत ये दर्द सा होने लग जाता है। जैसे उठा कर ऐसे रखा तो ये दर्द होने लग जाता है ये, और दर्द से ना फिर मैं बैठ जाता हूँ। फिर यहाँ दर्द थोड़ा बहुत हुआ तो मैं वहीं छोड़ देता हूँ सामान, वहीं बैठ जाता हूँ। फिर दर्द आराम हुआ फिर उठा के लेके आया। कबारे में तो आपको पता है कि कबारे में मेहनत ही होती है, करेंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। तो पूछते पे भी हाल रहा, सारा सामान तो बह गया यहाँ पे, बाढ़ आई तो सारा सामान बह गया। हाँ जी, खाली ये सब जो पहने थे ना वही पहने हुए रह गए, और मैं कुछ नहीं बचा। कागज क्या हुआ जो अस्पताल का और वो सब सब बह गया? और कागज फिर इन्होंने फिर बनवा के दिया फिर, लेकिन बाढ़ में वो बह गया। हाँ जी, पुराना सब बह गया। हाँ, जब तो मैं बेहोश पड़ा हुआ था पुश्ते के ऊपर, मैं तो बेहोश पड़ा था, मेरे को होश नहीं था, यूँ के यूँ पड़ा हुआ था मैं। रात दिन बारिश हो रही, पूरा बारिश में भीगते रहा मैं, बेहोश पड़ा हुआ था। मैं बाढ़ में बह गया था मैं पूरा एकदम, काफ़ी दूर तक यहाँ से वहाँ तक बहते हुए चला गया था। दूर तो चले गए? हाँ जी, यानी पाइप के नीचे से डूबा था तो वहाँ जाकर निकला था।
78 का रिकॉर्ड तोड़ दिया था इस बार, 78 का रिकॉर्ड तोड़ दिया था यहाँ पे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच और पानी हो जाता ना, ये पुस्ता पार्ट था ये, उसमें फिर उन्होंने जाकर दवाई वगैरह लेकर आया। फिर जब हाँ जी ढूंढते 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 फोटो भी था मेरे पास इनका, सारे लेकर ढूंढते रहे, फोन भी था, फोन भी करा नहीं उन्होंने कितने बार। फिर ढूंढते 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 झुकी तक पहुँच गए। फिर उन्होंने आजकल पूछा, फिर उन्होंने दवाई वगैरह दिलाया, फिर कुछ राशन पानी भी दिलाया इन्होंने, ला के दिया अपने तरफ से या कहीं से भी ला के दी वो। इसलिए थोड़ा बहुत तो मैं आराम हूँ, वो जो नहीं उठा सकता चक्कर से आने लगता। लेकिन 10 दिन का ना, 10 दिन तक दवाई खाई इन्होंने, गैप हो गया थोड़ा सा कि बाढ़ आ गई थी दिल्ली में। जब दिल्ली में बाढ़ आई तो हमारा ये अगस्त की बात है, अगस्त सितंबर की, हाँ 2023 की बात है, सितंबर की बात है जब दिल्ली में बाढ़ आई थी। और जब इसको मुझे फॉलोअप करना था, एक हफ्ते का फॉलोअप होता है, पहले तो डेली फॉलोअप करके गए तब तो ठीक थे नॉर्मल, हाँ चलो। जब मैं अगले दिन आई तो यहाँ पे पानी भरा हुआ था, इतना पानी भरा हुआ था मैं आ सकती ना सकती, नाव चल रही थी यहाँ। तो उस टाइम पे मैं सोची कि ना ये सब कह रहे कि यहाँ के पानी भर गया, आधे लोग बह गए, मुझे बहुत फील हुआ कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा पेशेंट बह गया हो, कि इसका होगा क्या, क्योंकि खुद ना चल सकता है ना फिर सकता है, पता नहीं पानी में कैसा होगा कैसे नहीं होगा। उसकी उस दिन इनकी कंडीशन इतनी खराब थी कि पानी से कांप रहे थे, जब इनके पास कोई कपड़ा नहीं था, कुछ नहीं था इनके पास, और एक झोपड़ी में पड़े हुए थे। मुझे जब मैं पूछते पूछते पहुंची तो मेरे को बड़ा दिल की तसल्ली मिली कि मेरा पेशेंट मिल गया मुझे, मैं इसकी पूरी तरफ से हेल्प कर सकती हूँ अब मैं तो, क्योंकि मैंने पूरी तरफ से हेल्प करी इनकी, और आज दवाई भी खाते हैं और अपने लोगों को जागरूक भी करते हैं। फिर उसके बाद मैंने बात करी, मैंने कही मेरे हम लोग जो पेशेंट फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग फ़ोन में इनकी फ़ोटो रख लेते हैं, क्योंकि फिर मिलते नहीं हैं, चेहरे से फ़ोटो से पता चल जाता है। तो मैं इनको ढूंढी, मैंने कहा पता नहीं कहाँ आए, जब देखा पूरे सड़कों पे सारे लोग पड़े हुए हैं, बाढ़ वाले बह के गए हैं कहीं कुछ, उनको ढूंढा, फ़ोटो दिखा दिखा के मैंने पूछा ये आदमी आप जानते हो, ये आदमी जानते हो, तो किसी ने कहा कि ये आदमी उधर पड़ा हुआ है। और जब इनके पास गई तो बेचारे एक पन्नी में लिपटे हुए थे और एकदम बेहोश हालत में पड़े हुए थे। इनको जगाया, पूछा कि क्या हालत है, कह रहा मैडम मेरी दवाइयाँ भी नहीं है, मेरे से चला भी नहीं जा रहा, खाने को भी कुछ नहीं है। मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं हूँ अभी आपके लिए ही खड़ी हूँ मैं। फिर मैं वहाँ से मैं अपने डॉट सेंटर गई, शास्त्री पार्क हॉस्पिटल, जग प्रवेश हॉस्पिटल है, वहाँ डॉट सेंटर पड़ता है। डॉक्टर थे, वहाँ से बात करी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं दवाई आप ले जाओ। कम से कम इनको 2 दिन का नागा हो चुका था, 2 दिन का नागा, क्योंकि मुझे ढूंढने में भी टाइम लगा, इनको आके ढूंढती थी मैं चली जाती थी, हाँ 2-3 दिन का टाइम लग गया था मेरे को ढूंढते ढूंढते, क्योंकि मैं सोची शायद उस पार तो नहीं चले गए, ये जमुना उस पार चले गए हो, तो जमुना उस पार भी मैं ढूंढ के आई, वहाँ भी मुझे नहीं मिला कुछ भी। इतना मतलब भीड़ था यहाँ पे कि लोग आपस में भी देखने को राजी नहीं हो रहे थे, कहीं कहीं भाग रहा है, कहीं कहीं भाग रहा है, पानी इतना भर गया था। इनको ढूंढ ढूंढ के मैं किसी तरह भी इनको दवाइयाँ इनकी लेके गई, मेडिसिन लिया, उन्होंने मैंने बताया उनको कि हाँ ये ऐसी सी बात है, होमलेस है, इनको दवाइयाँ बह गई हैं, कार्ड बह गया इनका, सारे डॉक्यूमेंट। उनका कहा आप चिंता मत करो, आप तो हेल्प कर रहे हो उनकी। फिर उन्होंने डॉट सेंटर, पंडित जी रहते हैं, उन्होंने डॉट प्रोवाइडर हैं वो TBHP, उन्होंने मुझे इनकी दवाइयाँ दी, और दवाइयाँ देने के बाद इनका एक न्यूट्रिशन पोर्टली आती है, वो भी उन्होंने सपोर्ट करा। फिर मैं वहाँ से आई, इनको दिया, इन्होंने कहा कि मैडम उनको दवाई, मैंने कहा दवाई आप कंटिन्यू खाओ, अब जो भी दिक्कत होगी अब मुझे बताना। तो इनकी दवाइयाँ भी मैं हर बार ले लेके आती थी। चलने का हम चलेंगे नहीं, शरीर में थोड़ा खून चलिए, कैसे रफ्तार कैसे लेगा, ये थोड़ा बहुत खून तो बढ़ेगा आने लगता है। हाँ जी ये दिसंबर 15 या 16 की है, कार्ड तो है मेरे पास, हाँ जी 6 महीने कार्ड तो है, कार्ड भी है, वो पर्चा भी है, वो सब मैं ढूंढ के निकाल के फिर इकट्ठा कर दिया मैं एक जगह, टीवी आ रही हम जीत गए। और आज ये देखो मस्त हैं, हंसते हैं और घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं, और टीबी को बहुत अच्छे से हराया इन्होंने, और आगे और लोगों को जागरूक भी करते हैं, लोगों को बताते हैं, अगर किसी को भी ऐसा लगता है तो मैडम से कांटेक्ट करें। तो ये इतना मुझे जान चुके हैं। आपको खुद कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने अपने पेशेंट की जान बचाई,
और ये अब अच्छे हैं। और इन्होंने एक पेशेंट और बताया, इन्होंने मेरा नंबर दिया कि मैडम से बात कर लो। तो बेचारे ने उनने मुझे फ़ोन करा कि मैडम ऐसी सी बात है, मैंने कहा मैं आती हूँ। फिर अगले दिन आए, फिर उनका सैंपल टेस्ट हुआ, एक्सरे हुआ, वो भी पॉजिटिव आए और आज वो भी दवाई खाते हैं। तो वो भी अपनी झोपड़ी लेके कहीं उधर होंगे। फिर तुम आप अगर अच्छे बनना चाहते हो और इस चीज़ से दूर रहना चाहते हो तो आपको दारू छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा ये क्या मुसीबत आ गई, दारू भी छोड़ो बीड़ी भी। फिर मैं सोचा, मैं अपने आप को अगर जिंदा रहना है, अपने आप को सोचा मैंने जिंदा रहना है तो दारू पी लो, यानी तो मर जाओ, दो काम ऐसे ही काम कर लो। फिर मैंने फिर ये सोचा कि मैंने जिंदा रह सकते इस वजह से दारू छोड़ना पड़ेगा, तो हमने दारू छोड़ दिया। मैंने उससे कोई भी हो इंसान अपना इलाज पूरा ढंग से कर ले, 6 महीने साल भर अगर कर ले वो तो आदमी सही आ जाएगा। नहीं तो मैं तो ऊपर होते फिर मैं तो ऊपर ही होता, नीचे थोड़ी होता। फिर अगर ये नहीं मिलती ना तो हम तो ऊपर ही रहते। ज़्यादा 6 महीने साल भर और रुकते रुकते, वो भी 6 महीने रुकते भी नहीं हम। जैसे कि हमने 6 महीने इलाज करवाया ढंग से, 6 महीने इलाज नहीं होता हमारा तो उससे पहले हम तो निकल चुके होते। फिर तो हमारा कोई यहाँ बैठना तो उठना कहीं भी हमारा कोई मतलब ही नहीं था। फिर हम ऊपर ही रहते हम तो इनको सहयोग से हम थोड़ा सा बच गए, इनकी मेहरबानी है कि हम थोड़ा सा अपना भी कंट्रोल करें और इनका भी अच्छा सोचे कि मैडम मिल गई तो अपना सहयोग ही कुछ ना कुछ तो सहयोग मिला, और नहीं मिलती तो फिर तो जैसे राम तो था ही। ये तो समझ लो आप मैडम को ऐसे मैंने बच गया। जब दवाई खाएंगे तो जीतेंगे, जब दवाई नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। वक्त पे हम खाएंगे दवाई, जब तो दवाई असर करेगा, जब हम दवाई खाएंगे नहीं तो असर कहाँ से करेगा। अगर हम खाना जैसे खाते हैं, खाना के वक्त पे खाएंगे तो असर होगा, उसी हिसाब से दवाई भी खाएंगे टाइम से तो वो भी असर करेगा। मैं तो ये दुआ कर सकता हूँ कि जो भी मरीज टीवी वाले अपने वक्त पे दवाई लें, अपना वक्त पे भोजन करें, अपना सहयोगी से बात करें, हर किसी का प्रॉब्लम बताएं, सहयोग करें, इतना कर सकता हूँ मैं तो हर किसी से। मैं ये कहूँगा कि एनजीओ वाले से हमेशा मिल के रहे, एनजीओ वाले से बात करें, एनजीओ वाले से हर कोई जो भी तकलीफ हो तो एनजीओ वाले को बताओ, एनजीओ वाले अपने आप हेल्प कर देंगे। वो मुझे मोटिवेट लगता है कि देखो इनका कोई होता नहीं है, अगर हम इनके साथ हेल्प कर दें, मदद कर दें तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस इनको सहारे की ज़रूरत है। अगर हम सहारा दे रहे हैं इनके लिए, भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं, इनको पता नहीं है किधर जाना है किधर नहीं जाना है, कोई रास्ता किधर को पता नहीं, इनके यहाँ के हॉस्पिटल में भी इनकी कोई वो नहीं होती, वैल्यू नहीं होती है। मैं यही चाहती हूँ सभी टीवी पेशेंटों से कि दवाइयाँ ना छोड़ें, अपने सही टाइम पर दवाइयाँ खाएँ। दवाई खाओगे और उसके साथ खाना भी खाओगे तो हम टीबी को बहुत अच्छे से हरा सकते हैं, बहुत अच्छे से। और हम चाहते हैं कि टीबी हारे और हम जीतें।